जय हिंद प्यारे बच्चों, एकेडमी अम्बाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सातवीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग दो का पाठ पापा खो गए हैं, जो कि विजय तेंदुलकर द्वारा रचित एक नाटक है। पाठ प्रवेश में देखिए, पापा खो गए हैं विजय तेंदुलकर द्वारा रचित एक बहुचर्चित एवं हृदयस्पर्शी रचना है, और यह पाठ एक एकांकी है, यानी कि एक अंक में लिखा गया एक नाटक है, जिसे कि पर्दे पर दिखाया गया है, रंगमंच पर दिखाया गया है। इसमें लेखक ने निर्जीव वस्तुओं के पीड़ा को बड़े ही रोचक तरीके से पेश किया, यानी कि उसने ये दिखाया कि किस प्रकार से जो निर्जीव लोग हैं वे भी बोल सकते हैं, और उन्हें बोलते हुए दिखाया है। यहाँ पर मनुष्यों में मानवीय मूल्यों एवं संवेदनाओं का अभाव होते जा रहा है, इसलिए लेखक ने निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण करते हुए, निर्जीव वस्तुएं उनको मानव का रूप दिखाया हुआ है। यहाँ पर मानवीकरण का अर्थ है कि उन्हें मानव के रूप में दिखाया गया है, कि जैसे हम लोग बात कर सकते हैं उसी तरह से निर्जीव वस्तुएँ भी बात कर सकती हैं। हमारे अंदर मानवीय भावनाओं को जगाने का प्रयास किया है। इस एकांकी में लेखक ने बच्चे के अपहरण के मुद्दे को उठाया है। लेखक यह बताना चाहता है कि मनुष्य कितना संवेदनहीन हो चुका है। वो अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए एक मासूम और निर्दोष बच्चे के अपहरण जैसा अपराध भी करने से पीछे नहीं हटता। इस पाठ में पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स आदि निर्जीव होते हुए भी बच्चे को अपहरणकर्ता से बचाने का अथक प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। यानी कि यहाँ दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जिसमें कि खंबा हो गया, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, वे सब लोग एकजुट होकर बच्ची के अपहरण से बचाने का प्रयास करते हैं। इस पाठ के मुख्य पात्र जो हैं वो इस प्रकार हैं: पेड़, बिजली का खंबा, लेटर बॉक्स, कौआ, नाचने वाली लड़की, आदमी। पाठ का सारांश पहले समझ लेते हैं कि पाठ में लेखक कहना क्या चाहता है हमें। विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित इस एकांकी में निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है और उनमें संवेदना भी दर्शाई गई है। वही एक आदमी जो बच्चे उठाने का काम करता है, उसके हृदय में संवेदना का कोई स्थान नहीं है, यानी कि उसमें किसी के भी प्रति दया भाव नहीं है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं समुद्र के सामने एक फुटपाथ पर खड़ा बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और एक कौआ, इसके अलावा एक लड़की और एक आदमी। तो मुख्य रूप से यहाँ पर यह बताया गया है कि किस प्रकार से निर्जीव वस्तुएं सब लोग मिलकर एक नाटक पेश कर रहे हैं, और उस नाटक में एक लड़की है जिसका कि अपहरण हो जाता है, और किस प्रकार से ये सारी निर्जीव वस्तुएं उसे बचाने का अथक प्रयास करती हैं। चलिए नाटक के शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ एक नाटक है, और इस नाटक की विशेषता यह है कि इसमें भाग लेने वाले अधिकांश पात्र निर्जीव हैं तथा उन्हें बोलते हुए दर्शाया गया है। नाटक में रात का दृश्य दर्शाया गया है, जहां समुद्र के सामने फुटपाथ पर एक बिजली का खंभा लगा है और वह पास लगे पेड़ से बात कर रहा है। पेड़ कह रहा है कि उसे रात से ज़्यादा दिन का समय अच्छा लगता है और रात को बोरियत होती है, परंतु इसके विपरीत खंबे को रात का समय ठीक लगता है। देखिए यहाँ पर पेड़ को दिखाया गया है बोलते हुए, यानी कि उसको सजीव कर दिया है। यहाँ पर वह कह रहा है कि उसे बरसात की रातों से अन्य मौसम की रातें कहीं बेहतर लगती हैं, क्योंकि बरसात में बारिश और तेज़ हवाएं उसे बहुत परेशान करती हैं। तो ऐसा खंबा कहता है, क्योंकि बरसात में बारिश और तेज़ हवाएं उसे बहुत परेशान करती हैं। और इस बात को सुनकर पेड़ को भी भयानक बरसाती रात याद आ जाती है, जबकि उसने अपने पास ही बिजली गिरते हुए देखी थी। पेड़ याद करता है कि वह कितने समय से उस स्थान पर खड़ा है, वहीं उसका जन्म हुआ, वहीं उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग आदि को बनते देखा जो पहले वहां नहीं थी। खंबा भी उसके सामने ही लगा था। वह याद करता है कि कैसे खंबे के लगने पर वह बहुत खुश था, क्योंकि उसे बात करने के लिए एक दोस्त मिल गया था। हम लोग भी कोशिश करते हैं ना कि कोई हमारे पास हो जिससे हम बात कर सकें, अपना मन हल्का कर सकें। तो यहाँ पर उसी चीज़ को दिखाया गया है कि पेड़ को भी कोई चाहिए जिससे वह अपने मन की बात कर सके। परंतु हुआ क्या, खंबे के घमंड के कारण दोनों ने कभी बात ही नहीं की। एक बार जब आंधी में खंबे को पेड़ ने गिरने से बचा लिया, तब उनकी दोस्ती हो गई, यानी कि जब खंबे को ज़रूरत पड़ी तो पेड़ ही काम आया। और ऐसे में खंबे को भी समझ आ गया कि हमें क्या करना चाहिए, दोस्ती रखनी चाहिए।
तभी तेज़ हवा चलने लगी और पोस्टर पर लगी नाचने वाली औरत के घुंघरू बजने लगे। इतने में लेटर बॉक्स भजन गाने लगता है और कौआ आता है। लेटर बॉक्स के गाने को सुनकर कौआ नाराज़ होता है, उनमें थोड़ी नोकझोंक होती है। लेटर बॉक्स चुपके चुपके दूसरे लोगों के पत्र पढ़ता है और उसे सभी लाल ताऊ कहकर बुलाते हैं। देखिए यहाँ पर लेटर बॉक्स है, उसे सब क्या कह रहे हैं, लाल ताऊ। वह काफ़ी सामाजिक है, पेड़ व खम्बा उसे पत्र पढ़ने से मना करते हैं। तभी एक नए आदमी का प्रवेश होता है जिसके कंधे पर एक छोटी बच्ची है, उसने बच्ची का अपहरण किया। अब यहाँ पर मुख्य जो मुद्दा है वो सामने आ रहा है कि किस प्रकार से एक लड़के का एक आदमी आता है और उसके कंधे पर एक बच्ची है जिसका उसने अपहरण किया है। वह बच्ची को सोता हुआ छोड़कर खाना खाने चला जाता है। उसके जाते ही सब आपस में बातें करने लगते हैं, लड़की बेहोश है। सभी उस आदमी को बुरा भला कहते हैं और लड़की को बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। यानी कि इतने में सबको समझ आ जाता है कि ये जो आदमी आया है इसने क्या किया है, उस लड़की का अपहरण किया है, और वे सब एकजुट होकर उसको बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। इतने में लड़की जाग जाती है और रोने लगती है। वह समझती है जैसे कि वह कोई सपना देख रही है। उसे इस प्रकार रोती देख कर लेटर बॉक्स सामने आता है और लड़की को चुप कराने का प्रयास करता है। लड़की भी चुप हो जाती है। वह उसे बताता है कि वे लोग भी बातें कर सकते हैं, अपने सुख दुख बांट लेते हैं। अब लड़की की उनसे दोस्ती हो जाती है। वे सब लड़की से उसके घर का पता पूछते हैं, पर लड़की इतनी छोटी है कि वह कुछ भी नहीं बता पाती। उन्हें लड़की पर बड़ी दया आती है। सब लोग लड़की के साथ मिलकर खेलने लगते हैं ताकि उसको अच्छा महसूस हो। लड़की उन्हें नाच भी दिखाती है। इतने में वह दुष्ट आदमी आ जाता है। अब बच्ची को ढूंढने लगता है कि वह कहाँ है। बच्ची क्या करती है, भागकर पेड़ के पीछे छिप जाती है। अब बच्ची पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स आदि के आगे पीछे भाग भाग कर उस दुष्ट आदमी से बचने का प्रयत्न करती है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पेड़ आदमी की भी अपनी जगह से सरक सरक कर उस बुरे आदमी के रास्ते में आने लगते हैं। यानी कि सब लोग मिलकर उसे डराने का प्रयास करते हैं। अंत में कौआ क्या करता है, भूत भूत करके चिल्लाने लगता है, और साथ ही पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स भी भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। दुष्ट आदमी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। इस बीच लड़की चुपके से नाचने वाले के पीछे छुप जाती है। फिर सब उसे ढूंढते हैं और अंत में वो मिल जाती है। भागने लगती है, कौआ उसे फिर पकड़ लेता है, और इतना खेलने के कारण बच्ची बेचारी थक कर सो जाती है। फिर सभी उसे घर पहुँचाने का उपाय सोचने लगते हैं। अंत में कौए को एक उपाय आता है। वह सोचता है कि चलो अब ऐसा किया जाए कि इसे पेड़ की घनी छाया में लड़की को सोने दिया जाए, और खम्बा क्या होगा, थोड़ा सा टेढ़ा खड़ा हो जाएगा ताकि क्या लगे, पुलिस को लगे कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस बच्ची के घर का पता खोजकर उसे घर पहुँचा देगी, और अगर पुलिस नहीं आई तो फिर कौआ क्या करेगा, काँव काँव की आवाज़ करके लोगों का ध्यान उस तरफ आकर्षित करेगा। पर अगर तब भी कोई नहीं आया तो लेटर बॉक्स क्या करता है, सिनेमा के पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिख देगा कि पापा खो गए हैं, और नाचने वाली लड़की इस वाक्य को दर्शाती भंगिमा में आ जाएगी। यानी कि वो भी इस तरीके से डांस करेगी जिससे कि पता चल जाए कि यहाँ पर ये लिखा है और लोग उसकी मदद करें। अंत में लेटर बॉक्स दर्शकों से कहता है, यानी कि हमसे कहता है कि छोटी बच्ची के पापा खो गए हैं, अगर दर्शकों में से किसी को भी उनके बारे में कुछ भी पता चले तो उन्हें बच्ची के पास भेज दें ताकि वे छोटी बच्ची अपने घर जा सके। और इसी के साथ ही पर्दा गिर जाता है। यानी कि अंत में हमें यही संदेश दिया गया है कि किस प्रकार एक लड़की के अपहरण पर जो निर्जीव लोग हैं वो भी सहायता करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। तो हमें इस तरीके के जो दुर्व्यवहार हमारे समाज में हो रहा है उसे भी दूर करना चाहिए और मदद के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। इसी के साथ पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।